जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। तो फ्रेंड्स, मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का सलमान खान की फिल्म टाइगर तृतीय यानी कि टाइगर थ्री के एक और एपिसोड में तहेदिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइज, द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ऑफ टाइगर थ्री द ऑफिशियल नंबर्स हैव अराइव्ड। बस थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गया गाइज, अनफॉर्चुनेटली। आप सभी लोगों को पता है कि टाइगर थ्री जो है वो फिलहाल ओमान एंड कतर में बैंड हो चुकी है। अगर वो दो टेरिटरीज होती तो हमारा जो प्रेडिक्शन था कि टाइगर थ्री विश्व भर में 100 करोड़ की कमाई करेगा वो डेफिनेटली होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म कतर एंड ओमान में बैंड हो गई, इसीलिए जो एक्स्ट्रा 6 करोड़ है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए। लेकिन ऑल सेड एंड डन ये नंबर जो आया है, मैंने आपको पहले बोला था वर्ल्ड वाइड सलमान खान के लिए हाईएस्ट ओपनिंग बनेगी। इंडिया में सलमान खान ने अपनी हाईएस्ट ओपनिंग दे दी है, 43 करोड़ हिंदी नेट, 1.5 करोड़ तमिल तेलुगु, एंड ये बन जाती है द थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा वर्ल्ड वाइड। जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी फिल्में हैं। नंबर वन पे ऑब्वियसली जवान है, 129.6 करोड़। नंबर टू पठान, 106 करोड़। एंड नंबर थ्री आती है सलमान खान की टाइगर थ्री, 94 करोड़। यस फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है 94 करोड़ हासिल करना, एंड लक्ष्मी पूजा के दिन इंडिया में रिकॉर्ड कलेक्शंस करना, हाईएस्ट दिवाली डे लेना, एंड ओवरसीज जो प्रीमियर्स का सिलसिला यहाँ पर टाइगर थ्री ने शुरू किया है वो आने वाले समय में स्पेशली एनिमल एंड डंकी इन दोनों फिल्मों को बहुत फ़ायदा होगा, एंड हिंदी फिल्मों के लिए प्रीमियर्स का रास्ता जो है वो खोल देगा। तो बात करते हैं गाइस, ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग दिवाली डे इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा, द हाईएस्ट ग्रॉसिंग ओवरसीज डे गाइस, ओवरसीज यहाँ पर 11 तारीख को जो प्रीव्यूज थे उसको मिलाकर है ओवरसीज के कलेक्शंस, एंड ओवरसीज फिल्म ने 41.50 यानी कि 4.50 करोड़ कमाई की है जो है 5 मिलियन। इंडिया में इसके कलेक्शंस है 44.50, इसका ग्रॉस होता है 52.50। इसी के साथ इस फिल्म ने 11.35 मिलियन का कलेक्शन किया वर्ल्ड वाइड जो कि होता है 94 करोड़ रुपीज़। अनफॉर्चुनेटली वो ओमान एंड कतर के कलेक्शंस जो है वो डेफिनेटली हिट हुए हैं, अगर वो दो टेरिटरीज होती ना तो डेफिनेटली ये फिल्म जो है फाड़ देती। सो दैट इज़ द थर्ड हाईएस्ट ओपनिंग फॉर एनी हिंदी फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा वर्ल्ड वाइड विद सलमान खान्स टाइगर थ्री विच इज़ ह्यूमंगस, ये बिगेस्ट ओपनिंग फॉर द बॉलीवुड फिल्म इन द ओवरसीज मार्केट प्रीमियर्स एंड डे वन। एंड गाइज, आज की बात करूँ तो आज ओवरसीज में छुट्टी नहीं है, तो आज ओवरसीज में कहीं ना कहीं 12 या 13 करोड़ का कलेक्शन आएगा। सो इंडिया में अगर ये फिल्म 55 करोड़ का नेट करती है, एंड गाइज का ग्रॉस कहीं ना कहीं होगा 65 करोड़ के आसपास, टू विच इफ यू एड 15 करोड़ आई थिंक आज भी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 80 करोड़ के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। सो गाइज, 81 करोड़ आज का वर्ल्ड वाइड एंड 94 करोड़ दो दिन में, ये फिल्म 175+ करोड़ वर्ल्ड वाइड जाते हुए दिखाई दे रही है। हिंदी में इंडिया में यानी कि हिंदी तमिल तेलुगु कल का कलेक्शन 44.50 था, आज कहीं ना कहीं 55.50 आएगा सब लैंग्वेज मिलाकर। सो इंडिया में 100 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड 175 करोड़ इज द टारगेट फॉर सलमान खान टाइगर थ्री इन 2 डेज। लेट्स सी गाइस क्या होगा। कल बहुत सारी जगहों पर मेन छुट्टी है दिवाली के कारणवश, तो कल भी कलेक्शंस फाड़ेगा, एंड लेट्स सी कल वो 60 करोड़ का नंबर जो है इंडिया में क्या वो अचीव कर पाता है नहीं कर पाता। फिलहाल कॉन्ग्रेचुलेशन सलमान खान फॉर योर हाईएस्ट ओपनिंग, 94 करोड़ कमाना वर्ल्ड वाइड ये आसान बात नहीं है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान ने ही पठान एंड जवान में किया है, बाकी यह साउथ की फिल्मों ने किया है, बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन हम हिंदी फिल्मों में भैया पठान और अब टाइगर भी पीछे पीछे आ गए हैं। गाइस, सो मच का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर की सब्सक्राइब कीजिए। अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से कूल मैन। 94 करोड़ डे नंबर 1, 6 करोड़ बच गया, वरना सलमान भाई 100 करोड़ मार दिए होते।